ओके वेटिंग, किसका वेट कर रहे हो आप? ऑफर का वेट कर रहे हो मे बी, मुझे लग रहा है अपने पार्टनर के साइड से ऑफर आने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। सारी सिचुएशन से मूव ऑन कर दिया है आपने, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक ऑप्शन है आपके पास, बट आपका फोकस किस पे है? आपका फोकस अपने पार्टनर पे है। मैंने जब ये कार्ड देखा ना, टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप ना, आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी फैमिली की। एक साइड आप अपने फैमिली को हैंडल कर रहे हो और एक साइड है कि अपने पार्टनर को भी हैंडल कर रहे हो। आपके पार्टनर ने आपको मे बी बहुत कोल्ड शोल्डर देके चले गए हैं और आप अभी तक उनका वेट कर रहे हो, है ना। और एक नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मे बी, आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, आपका पूरा ध्यान फैमिली पे होता है। एक साइड में कह रही हूँ ना, अगर आपका 70% ध्यान आपकी फैमिली पे है ना, तो 30% आपकी लव लाइफ पे है। और आपके पार्टनर अभी तक आपको कोई कम्युनिकेशन लेके नहीं आए हैं, है ना, लेकिन आप फिर भी सबको ऐसा शो करते हैं कि आप बहुत खुश हैं। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं मुझे नजर आ रहा है, लेकिन शो आप सबको ऐसा करते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में। बट मैं देख रही हूँ ना, ये टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मे बी आपके फैमिली मेंबर्स को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, इस वजह से आप भी थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर की एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके बारे में बोलती ही जाऊँ, इतने ज्यादा इमोशनल काइंड की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। आपके पास इस वीक में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है बिजनेस से रिलेटेड, या आप कुछ शेयरिंग में, कुछ पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब करियर में भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपने अभी तक बहुत एफर्ट्स लगा लिए अपनी जॉब में, करियर में, बिजनेस में, बट बताया ना आपको एज एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने कुछ सोचा कि आप कोई, मतलब कुछ नई चीज पार्टनरशिप में स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का बिजनेस का या किसी करियर में आगे जाने का, तो इस वीक में बिल्कुल कर दीजिए स्टार्ट, आपको सक्सेस मिलेगी। आपके इस नेचर को देख के मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा टेंशन कम लीजिए, मुझे लग रहा है आप टेंशन ज्यादा लेते हो। अगर आप टेंशन कम लेंगे तो एफर्ट्स ज्यादा अच्छे से लगा पाएंगे, और अगर आप टेंशन लेके बैठे रहेंगे तो एफर्ट्स ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाएंगे। और रही बात आपके पार्टनर की, आपकी लव लाइफ की, तो मैं बता दूं इस वीक में वो आपके पास ऑफर लेके आ रहे हैं। आप जिस ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप जिस सिचुएशन का अभी तक नेगेटिव चल रही थी, वो पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हो। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालना चाहूंगी, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो किस मोड में चल रहे हैं, क्या वो इस वीक में कोई एक्शन ले सकते हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ तो भी नेगेटिव लोग हैं जो उनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखे हैं, शायद इस वजह से वो आपके साइड कोई एक्शन लेके नहीं आ पा रहे हैं। आना तो चाहते हैं, बट कुछ नेगेटिव लोगों ने उनका माइंड डाइवर्ट करके रखा है। उन्हें पता है कि आप ही उनके सोलमेट हो, उन्हें पता है कब ऑफर करना है तो आपको ही करना है। यहाँ भी वो कब आपको ही ऑफर कर रहे हो, यहाँ भी कब वो आपको ही ऑफर कर रहे हैं, जरूर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप भी पेशेंस रखें, वो भी पेशेंस रखें। यहाँ कोई भी मुझे थर्ड पार्टी काइंड की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, अगर होगी भी तो कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की गई होगी, ठीक है। इन्होंने अपने खुद से कोई थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं की है, कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है। कह ही रही हूँ, पेंटिकल आपको ऑफर देना चाहते हैं, उनका फोकस सिर्फ आप पे है, उनके माइंड में कोई चीजें चल रही हैं तो आप भी चल रहे हो, कोई और नहीं चल रहा है। आपको वो अपना सोलमेट ही समझते हैं, आपको वो अपना पेंटिकल, अपना सब कुछ समझते हैं। और ये बॉटम में निकल के आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कह रही हूं मैं फोकस सिर्फ आप पे है। उन्होंने ये जो नेगेटिव लोग हैं इनसे बचने के लिए इन्होंने डिफेंसिव कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी बना रखी हैं, और वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं कि कब आपके साइड एक्शन लेके जाया जाए, कब इन लोगों के जाल से बोलना चाहिए निकला जाए, जो इन्होंने फंसा के रखा है इन लोगों ने इनको, बहुत जल्द वो इन सारी बाउंड्रीज को तोड़ के आपके पास आएंगे। और कार्ड्स निकालते हैं, क्या वो इस वीक में कोई एक्शन ले सकते हैं क्या आपके साइड? एक्शन से रिलेटेड तो अभी कार्ड नहीं निकला है, फिर भी देखते हैं। देखिए, कह ही रही हूं, एम्परर का कार्ड आया है, क्वीन, नाइन ऑफ पेंटिकल। ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये इनके फैमिली मेंबर में कोई फीमेल पर्सनालिटी, कोई बड़ी पर्सनालिटी हो सकती है जिन्होंने इनके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन को रखा हुआ है, और वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए ना, वो मना कर सकते हैं ना वो भी आगे बढ़ पा रहे हैं। ये कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं इनकी लाइफ में,
इनके फैमिली मेंबर में, ठीक है। बट मैं एक चीज बता दूं, ये जरूर अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे अपने फैमिली में, लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ के अथॉरिटेटिव पर्सन बन गए। उन्हें पता है उनको क्या सही है क्या गलत है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है ये जो पेंटिकल लेके बैठे हुए ना हाथ में, और यहां भी पेंटिकल है, ये किसको ऑफर देना, ये आपको ही ऑफर देना है। सारी खुशियां सारी हैप्पीनेस आपको ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है ना कि किसी को भी अट्रैक्ट कर दे। इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना आप, कि शायद इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन कहीं नहीं मिलेगा। इस वजह से अभी तक तो ये थोड़े से इस मोड में चलते थे कि चलो हो जाएगी सारी चीजें, अपने फैमिली मेंबर की बात सुनते हैं, लेकिन अब उस मोड से बाहर आके इन्होंने अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद लेके रख ली। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इनका जो डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है। अभी तक ये इनका सुनते थे, ये जो डिसीजन लेती थी उसको फॉलो करते थे, बट अब इनका जो सेल्फ डिसीजन रहेगा उसी को फॉलो करेंगे। और सेल्फ डिसीजन यही है कि आपके साइड एक्शन लेके आना चाहते हैं। अभी तक नहीं आया है तो इस वीक में आप कुछ इनके साइड से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, छोटा ही सही। कोई मेजर एक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं, कुछ छोटा ही एक्शन सही, बट एक्शन आएगा जरूर इस वीक में, ठीक है। अब मैं देखना चाहूंगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। लवर्स बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स, कह रही हूं आपको तो सिंपल सा गाइडेंस है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभाइए। आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अचानक से आने वाली हैं इस वीक में, उस पर ध्यान दीजिए। पीछे सन है, खुशियां आपके पास आ रही हैं। लवर्स कार्ड के साथ आपके पार्टनर आपको ऑफर देना चाहते हैं, कप लेके आपके पास ही आ रहे हैं। जरूर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आएंगे आपके पास ही, क्योंकि यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो चुका है आप दोनों के बीच में। और जब भी यूनिवर्स का इंटरवेंशन होता है तो आई डोंट थिंक यूनिवर्स के आगे ये पर्सन कुछ कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो जाए किसी रिलेशन में तो ठीक है, तो आप बस पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, आपके पास ये ऑफर लेके आ रहे हैं।